नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताजा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल के मंडी में भूकंप के झटके 2.8 रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मंडी के बरजाहरू में सुबह 7:53 पर भूकंप का झटका लगा। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8 रही। हालांकि भूकंप से कहीं नुकसान की सूचना नहीं है। भूकंप का केंद्र धरती से 5 किलोमीटर नीचे था। श्रीखंड यात्रा पर निकले झारखंड के श्रद्धालु की ऑक्सीजन की कमी से मौत। 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत की कठिनतम यात्राओं में शामिल श्रीखंड महादेव यात्रा पर निकले झारखंड के एक श्रद्धालु की ऑक्सीजन की कमी से रास्ते में मौत हो गई। श्रद्धालु सिंगार से भिंडवारी की ओर से रविवार को निकले यात्रियों के जत्थे में शामिल था। रेस्क्यू दल शव को बेस कैंप कुनशा लाने में जुटा हुआ है। आनी पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। सीएम जयराम ने कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। 30 सितंबर तक लगेगी निशुल्क बूस्टर डोज। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज राजधानी शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। वे सुबह 11 बजे डीडीयू अस्पताल आए। इसके बाद हेल्थ एजुकेटर को मौके पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने बूस्टर डोज लगाई। दूसरी ओर कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 दिनों तक निशुल्क बूस्टर डोज की सुविधा दी जा रही है। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त बूस्टर डोज लगाई जानी है। ITI में प्रवेश की तिथि बढ़ी, अब 23 जुलाई तक करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए तिथि को बढ़ा दिया है। अभ्यर्थी 23 जुलाई तक विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निदेशक विवेक चंदेल ने बताया कि विभाग ने ITI में प्रवेश के लिए तिथि को बढ़ाया है। छात्रों को कोविड वैक्सीन नहीं लगी तो नपेंगे स्कूल प्रिंसिपल और मुख्याध्यापक। हिमाचल के ऊना जिले में 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग और 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग तक के छात्र छात्राओं को वैक्सीन के अभियान पर प्रशासन सख्त हो गया है। दरअसल इन दोनों आयु वर्ग के हजारों बच्चों में से अभी भी 5,000 ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिन्हें दूसरी खुराक नहीं लग पाई है। इन सभी बच्चों को कवर करने के लिए जिला प्रशासन ने शिक्षण संस्थान प्रभारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए जल्द से जल्द इन्हें वैक्सीनेट करने का आदेश जारी किया है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से DC राघव शर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं और इन परिस्थितियों में सभी संस्थान प्रभारी वैक्सीनेशन से वंचित चल रहे अपने बच्चों को कवर करवाना सुनिश्चित करेंगे। हिमाचल में 10 पुलिस अधिकारियों के तबादले। हिमाचल सरकार ने आज 10 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा कैडर के DSP सोलर रमेश कुमार को DSP ठियोग लगाया गया है। वहीं DSP BBMB सुंदरनगर खजाना राम को DSP बंजार, DSP 6 IRBN बटालियन धोलाकुआ राम प्रसाद जायसवाल को DSP हमीरपुर, DSP CID कांगड़ा विकास कुमार धीमान को IRBN बटालियन बस्सी बिलासपुर, DSP कांगड़ा बलदेव दत्त को DSP CID कांगड़ा और DSP जुंगा दुष्यंत सरपाल को DSP BBMB सुंदरनगर की जिम्मेवारी सौंपी गई है। NIT में शिक्षक भर्ती के लिए 21 तक करें आवेदन। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर ने शिक्षकों के अनुबंध आधार पर होने वाली भर्तियों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब इच्छुक उम्मीदवार 21 जुलाई शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि इससे पूर्व NIT प्रशासन ने 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए थे। इसके अलावा बात करें तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में खाली पदों को अनुबंध के आधार पर भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
संस्थान ने सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग समेत 12 विभिन्न विभागों में खाली चल रहे 45 पदों को अनुबंध आधार पर भरने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 21 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बोली, जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही सरकार। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने देश में GST बढ़ाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों पर महंगाई की मार और बढ़ेगी, पहले ही लोग बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। केंद्र सरकार ने GST में बढ़ोतरी कर लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को आवश्यक खाद्य पदार्थों को GST से मुक्त करना चाहिए। इसके अलावा प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने और जनहित में GST की बड़ी दरों को वापस लेने की मांग की है। प्रतिभा सिंह ने प्रदेश में कृषि व बागवानी को भी GST के दायरे से भी बाहर करने की मांग की है। उन्होंने सरकार से सेब कार्टन व पैकिंग मटेरियल की दरों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर सेब बागवानों की उपेक्षा कर रही है। जिला परिषद कैडर, प्रदेश में पंचायत तकनीकी सहायकों के भरे जाएंगे 1205 पद। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला परिषद कैडर के तकनीकी सहायकों के 124 पद सृजित किए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में 1205 तकनीकी सहायकों के पद भरे जाएंगे। वहीं जिलावार पद आवंटित कर दिए गए हैं। पंचायती राज विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव की संबंध में जारी अधिसूचना सोमवार को राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। हिमाचल में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 616 नए केस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हर दिन कोरोना वायरस के नए मामलों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में एक समय में जहां कोरोना वायरस के नए मामले 10 के करीब आ गए थे, तो वहीं आज उनकी संख्या दोबारा 600 को पार कर गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में आज 5071 लोगों के सैंपल लिए गए थे। इनमें से 616 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, बाकी सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोविड के नए मामलों में कांगड़ा जिला में सबसे ज़्यादा मामले हैं। शलखर के बाद अब लियो के नाले में आई बाढ़, गांव देश दुनिया से कटा, सेब के बगीचे तबाह, 5 मकान बाढ़ की चपेट में। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के पूह उपमंडल में बारिश से नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है। इस कारण यहां बाढ़ आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को शलखर में बाढ़ आने के बाद एक बार फिर से आज लियो गांव के नाला में बाढ़ आने से कई सेब के बगीचे और अन्य नकदी फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है। वहीं कई लोगों के घरों में मलबा घुस गया है। इसके अलावा 5 मकान बाढ़ की चपेट में आने की सूचना है। जानकारी के अनुसार अचानक 5 बजे के करीब लियो गांव के नज़दीक नाले में बाढ़ आने से गाँव में अफरा तफरी मच गई। बाढ़ आने की सूचना मिलते ही लोग सबसे पहले घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित जगहों की ओर भागे, ताकि बाढ़ से बचा जा सके। लेकिन बाढ़ ने 100 के करीब बागवानों के बगीचों को तबाह कर दिया है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।